बायोमेडिकल वेस्ट जो है ये सारे वेस्ट का वो टाइप है जो कि जनरेट होता है इलाज मुआलजे के नतीजे में या तशखीस के नतीजे में या जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन की जाती है एनिमल की या जानवरों की जो इम्यूनाइजेशन की जाती है या जो रिसर्च एक्टिविटीज होती है जानवरों पर, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे जो ब्लड्स हैं ब्लड ग्रुप जो बनाए गए हैं ये चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट की गई है तो उसके नतीजे में हमारे ब्लड टाइप में ये डिस्कवर हो गए। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास जो वेस्ट बनता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अच्छा, इसके हमारे पास जो है बायोमेडिकल वेस्ट के हमारे पास कुछ मेजर सोर्सेज हैं कुछ माइनर सोर्सेज हैं। तो जो मेजर सोर्सेज हैं इसमें हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं, तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। इस तरह लैब्स हो गए, इस तरह ये जो रिसर्च सेंटर हो गए जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, और इस तरह एनिमल रिसर्च भी हो गए, और ब्लड बैंक जहाँ पर हम ब्लड इकट्ठा करते हैं, ब्लड बैंक जहाँ पर हम ब्लड इकट्ठा करते हैं तो वो वहाँ पर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इस तरह जो नर्सिंग होम हो गई, मर्चुरीज हो गई, जैसे कि मुर्दा खाने हो गई, तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये जो हमारे पास ऑटोप्सी हो गई, जैसे कि पोस्टमार्टम जहाँ पर किया जाता है, तो वहाँ पर भी हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो पैदा होता है। इस तरह जो हमारे पास जो माइनर जो सोर्सेज हैं इसकी बायोमेडिकल वेस्ट की, तो उसमें हमारे पास जो गली का क्लिनिक हो गया या कोई डेंटल वो जो क्लिनिक हो गया जिसमें दांत आंखों के निकाले जाते हैं, तो ये माइनर सोर्सेज हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर रिस्क में इसकी वजह से रिस्क में कौन आ सकता है, ठीक है। जो लोग इसको इकट्ठा करते हैं, इस वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, तो वो उनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल को इस तरह से कि अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है, उसको अगर कोई स्लिट लगाई गई है, उसका ब्लड लिया गया है, और वो अगर आप लोगों ने अगर उसको उसके प्रॉपर जो है कलर कोडिंग है उसमें डाला जाता है, अगर आपने गलत डब्बे में डाल दिया पास, वो अगर कोई सफाई जो इकट्ठा करने वाला है उसके हाथ को लग जाती है, ठीक है, एचआईवी का उससे या किसी डॉक्टर को लग जाता है, तो ये लोग जाके अपने घरों में जाके ये इसकी एचआईवी के कैरियर बनेंगे, उस इलाके में एचआईवी के कैरियर बनेंगे, उससे ये फैल सकता है पूरे इलाके में, ठीक है। अगर डॉक्टर को लग जाए तो डॉक्टर जब अपने पेशेंट से बात करेगा तो उसकी बॉडी या जो मुँह से जो ब्लड निकलता है उसके थ्रू उसके पेशेंट में जाएगा, वो पेशेंट भी वो कैरियर बन सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बायोमेडिकल वेस्ट, तो इसके मैनेजमेंट के प्रॉपर वो सही तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो हम तो वो करेंगे, मतलब सर्वे करेंगे कि इस हॉस्पिटल में कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, किस किस्म का प्रोड्यूस होता है, या इस रिसर्च सेंटर में या इस लेबॉरेटरी में कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है और किस किस्म का प्रोड्यूस होता है, और इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है सेग्रीगेशन का आ जाता है। तो सेग्रीगेशन सर ने भी आपको बताया था कि सेग्रीगेशन जो है उसको हम कचरे को हम अलग अलग करते हैं, जैसे प्लास्टिक का वेस्ट हो गया उसको हम अलग डब्बे में डालते हैं, या जो मतलब ब्लेड्स हो गए, सिरिंज हो गए, शार्प जो वेस्ट हो गया उसको हम अलग डब्बे में डालते हैं। वो मैं अपने साइड में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ। अच्छा, यहाँ पर लेबलिंग आ जाती है। वो लेबलिंग ये है कि फर्ज करें कोरोना के वार्ड से वो कचरा आ रहा है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि ये कोरोना के वार्ड से आ रहा है, ठीक है। अगर एचआईवी के वार्ड से आ रहा है उसकी एचआईवी का लेबल होना चाहिए कि ये एचआईवी के वार्ड से आ रहा है। अगर ये एचआईवी के किसी को पता ना हो कि ये एचआईवी से के वार्ड से आ रहा है, तो वो प्रॉपरली उसको वो नहीं करेगा और फिर इन्फेक्शन काज हो सकता है, जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दी, तो इसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। अच्छा, कलेक्शन ऑफ वेस्ट, जो बंदा इसको कलेक्ट करता है उसको भी रीडिंग आनी चाहिए, मतलब कि कोरोना के वार्ड से आ रहा है ये एचआईवी की, उसकी प्रॉपर जो है कलेक्शन हो सकेगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास स्टोरेज आती है, तो इसको हम फिर इकट्ठा करते हैं, जो प्लास्टिक का जो कचरा है उसको हम अलग इकट्ठा करते हैं, जो शार्प कचरा है वो उसको हम अलग इकट्ठा करते हैं, जो हमारे पास बॉडी की आर्गन हो गई या बड़े फ्लूइड वगैरह है इसको हम अलग जो है इकट्ठा करते हैं, ठीक है। फिर इसको हम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो रिसाइकल होता है उसको हम रिसाइकल करने के लिए ले जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया जो कि हमें इंसिनरेट करना चाहिए, जिसको हमें जलाना चाहिए, उसको हम मतलब जो हम रिसाइकल नहीं कर सकते उसको हम जलाने के लिए ले जाते हैं, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह इसके और जो ट्रीट करते हैं, मतलब अगर कोई उसको जो है सैनिटाइज करें और फिर दोबारा हम यूज़ करें, तो ये सारा ये ट्रीटमेंट में आ जाता है। अच्छा, इस तरह मैं जो बात कर रहा था कि ये जो इसके कलर कोडिंग है, ठीक है, तो हमारे पास चार कलर कोडिंग है, तो इसमें
येलो कलर का जो वो आता है कलर कोड आता है उसमें हमारे पास बॉडी फ्लूइड आ जाती है, ठीक है, या जो जिस्मानी अज़ा हो गए जैसे मैंने पहले बताया बॉडी फ्लूइड हो गई, क्लिनिकल जो बेस्ट होता है एक्सपायर जो मेडिसिन है वो हमारे पास हो जाते हैं येलो जो बैंड है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम इंसिनरेट करते हैं, ये हमारे पास रिसाइकेबल नहीं होता। अगर आपका धन निकाला जाए तो ये तो दोबारा तो हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम येलो बैंड में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये जो रेड हमारे पास जो बैंड है इसमें प्लास्टिक बैग्स आ गए, बैग्स पाइप्स आ गए, ये चीज़ें आ गई, ठीक है, ये कहीं के बेटर आ गए जो ड्रॉप की चीज़ें है उसको हम रेड में डालेंगे। और ये रिसाइकेबल है, ये रिसाइकल हो सकता है, ठीक है, हम ये इसमें डालेंगे। अच्छा, और ये तो हमारे पास जो वाइट किस्म का है, ये 2016 में ये कलर एड हुआ है, ये जो वाइट है, ये जो हमारे पास वाइट वाइट और ये जो ब्लू टाइप का ये जो कलर है, तो ये दोनों जो है ये शार्प ग्लेस के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वाइट जो है उसमें मेटल्स की चीज़ें आती है, जैसे कि इंजेक्शन और ये जो शार्प होता है जो मेटल से बने होते हैं वाइट आ जाते हैं। इस तरह ये जो ब्लू है इसमें पेपर्स आ जाते हैं और इसमें ग्लास वगैरह और ये जब तक ग्लास और ये चीज़ें इसमें होते हैं। अच्छा, आप लोग को भी ये कलर कोड सीखनी चाहिए ताकि अगर आप लोग हॉस्पिटल में जाए तो आप लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और जिस कचरे का जो बनता है डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, अभी मैं उम्मीद को दौड़ दूंगा कि वो आए और यहाँ से कंटिन्यू। थैंक यू।